पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 2.5 किलो आरडीएक्स मिलने से हड़कंप मच गया है। इसे पाकिस्तान में बैठे आईएसवाईएफ के आतंकी लखबीर रोड़े ने सप्लाई किया है। बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगिया पटरी से उतरी। हादसे में 9 यात्रियों की मौत, 36 घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में हुआ हादसा। रेल हादसे पर सीएम गहलोत ने दुख जताते हुए कहा कि हादसे की खबर सुनकर दुखी हूं। सीएम गहलोत ने शोक परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। कहा, ईश्वर उन्हें दुख सहन करने की क्षमता दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने पर प्रार्थना की। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी और सभी की सुख दुख और निरोगी जीवन की कामना की। भरतपुर बयाना के पूर्व सांसद गंगाराम कोली का निधन हो गया है। गंगाराम कोली बयान संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं। रतनगढ़ में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है। हेड कांस्टेबल धनेश शर्मा ने एक दुकान पर दबिश देकर चाइनीज मांझे की 12 चरखियां जब्त की हैं। प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेवाड़ में कांग्रेस मौसम में बदलाव होने के कारण किसान अफीम की फसल को बचाने में लगा हुआ है। अफीम की बुआई करने के बाद 2 बार मावट बारिश होने से अफीम की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,64,202 नए मामले सामने आए। वहीं 1,09,345 मरीज रिकवरी हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 12,72,073 है। राजस्थान में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,881 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 7 संक्रमितों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,785 नए केस मिले।